दोस्तों आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में आप जानोगे जो यूरिन रूटीन हम टेस्ट करते हैं तो उसके स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसीजर के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज देने वाला हूँ। तो चैनल पर अगर पहली बार आया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फ्री में सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबा लेना, और जिससे कि जो भी मेरा नया वीडियो होगा सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। तो चलिए सबसे पहले वीडियो को चालू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये होता है यूरिन स्टेप। इसमें 10 पैरामीटर का होता है, एक होता है 2 पैरामीटर का। तो जो 2 पैरामीटर का होता है दोस्तों, उसमें सिर्फ आप यूरिन शुगर और यूरिन कीटोन ये 2 टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जो 10 पैरामीटर का होता है, इस पर लिखा भी है यूरिन टेस्ट स्ट्रिप 10 पैरामीटर। 10 पैरामीटर जो होता है उसमें काफ़ी सारे आप टेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि 10 पैरामीटर का ये मतलब ये होता है कि उसमें 10 रिपोर्ट यानी कि यूरिन में जो 10 इंपॉर्टेंट जो रीडिंग होता है वो सारे पता कर सकते हैं। जैसे आप यूरोबिलिनोजन यानी कि बिलरुबिन जैसे पता कर सकते हो आप इसमें। उसके बाद से आप कीटोन कर सकते हो, ब्लड कर सकते हो, प्रोटीन आया है कि नहीं ये चेक कर सकते हो, नाइट्राइट भी आप पता कर सकते हो, ल्यूकोसाइट पता कर सकते हो, फिर ग्लूकोज स्पेसिफिक ग्रेविटी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यूरिन का स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, उसका पीएच कितना है, ये सारे चीज़ें ये 10 पैरामीटर जो है ये आप पता कर सकते हो। और उसको प्रोसेस करने का जो तरीका होता है सबसे बेस्ट तरीका होता है, इजी प्रोसेस है कि कोई भी अगर यूरिन सैंपल आप लेते हो तो यूरिन में एक इसमें स्ट्रिप होता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ एक मिनट, ये आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं ये इसमें स्ट्रिप होता है। और क्योंकि ये कंटामिनेटेड होने का बहुत ज़्यादा डर रहता है इसलिए इसको और किसी चीज़ से टच नहीं करना चाहिए। और जो भी ये मिलता है तो एक पूरा स्ट्रिप एक बार में ही यूज करना चाहिए। इसको हाथ से या किसी भी चीज़ से कट आप टच करोगे तो ये कंटामिनेटेड हो जाएगा, तो जो भी रीडिंग आएगा वैल्यू आएगा वो बराबर नहीं आ सकता, तो केयरफुली टेस्ट करना पड़ता है उसको। अगर आप जब यूरिन सैंपल आता है तो यूरिन में उस स्ट्रिप को आप उसमें डिप कीजिए, और डिप करने के बाद से यहाँ पे टाइमिंग दिया हुआ है कि कितने सेकेंड में कौन सा रीडिंग का वैल्यू हमें देखना है, यानी कि मोस्टली सबके सब 60 सेकेंड यानी कि 1 मिनट में सारा रिजल्ट आ जाएगा। तो लेने के बाद से हम चेक करते हैं उसका कलर कहाँ तक डिफरेंस हुआ है, यानी कलर कहाँ तक चेंज हुआ है। अगर जितना जैसे कि मान लो अगर आप प्रोटीन लेते हो तो प्रोटीन एक नॉर्मल लेवल पे ये कलर दिखेगा उसका, लेकिन अगर उसमें प्रोटीन पॉजिटिव आता है तो कलर चेंज होता जाएगा। फिर हम इस पे देखते हैं कि कहाँ तक प्रोटीन हमारा जा रहा है तो उतना प्लस प्रोटीन उसमें माना जाएगा। तो इस तरह से हम प्रोसेस करते हैं इस ये जो देख रहे हैं आप कलर, इससे हम मैच कराते हैं स्ट्रिप का और फिर उसका रीडिंग लेते हैं। तो इस तरह से इसका प्रोसेस किया जाता है। सबसे पहले अगर यूरिन सैंपल आता है तो हम उसका पहले कलर चेक करते हैं, कलर चेक करने के बाद से उसको देखते हैं क्लियर है या टर्बिड है, उसका कंसिस्टेंसी क्या है, ये सारा चेक करने के बाद से फिर इसको हम स्ट्रिप के द्वारा चेक किया जाता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि कुछ थोड़ी सी नॉलेज आपको मिला होगा, बेसिक नॉलेज जो मैं बोल रहा था बताने के लिए, तो इस वीडियो में कुछ जानकारी आपको मिली होगी। और अगर विस्तार से चाहिए या कुछ और समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर लीजिएगा। अगर मुझसे आप बात करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर मुझे फॉलो कीजिए, वहाँ पर हम आपसे बातें भी कर सकते हैं और भी कुछ प्रॉब्लम होता है उसको दूर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।